तो बहुत ही जल्द आप लोगों को कुछ मेजर अपडेट्स देखने वाले हैं, बहुत ही जल्दी। लेह लद्दाख का अपना प्लानिंग चल रहा है, उसी के साथ साथ सुबह हो चुकी है और आज है 18 तारीख 18th of January 2021, और सुबह से हम लगे पड़े हैं काम करने में। चाय भी आ चुकी है। सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज आरपी जैन, होप यू ऑल आर फाइन। आज है 18 जनवरी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। थैंक यू फॉर द लाइक्स। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। रात थोड़ी ऐसी ही रही, बहुत सारी चीज़ें हो गई रात में जो कि मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता। एंड रात में जो एक चीज़ है जो मैं यहाँ बता सकता हूँ, वो ये है मेरी बीवी। भाई जब इतने खराटे लेती है ना, रात को उठ उठ के इसको जगा था, भाई सोने थे, क्या कर लिया था, अभी बाहर जा करके सो रही क्लास के बाद। भाई साहब ये बंदी मेरे को नहीं सोने देती ठीक से, मेरी बीवी बहुत खराटे लेती है। हाँ उल्टा होता है, आदमी लोग खराटे लेते बीवी नहीं सो पाती, यहाँ बीवी खराटे लेती है आदमी नहीं सो पाता, बिल्कुल कतई कतई मतलब नींद उड़ा रखी है मेरी। सो चाय पीते हैं, अपना रस वस खाते, दवाई लेते हैं। चोट की हालत ऐसी है, अभी मैंने अपनी ड्रेसिंग करी है और उसको साफ किया है, तो धीरे धीरे सूख रहा है, टाइम लेगा यार। घुटने की चोट तो अब मुझे एहसास हो रहा है कैसे होती है। सो ऊपर से गड्ढा हो गया ना उस घुटने पे, जो मांस फटा था उसमें गड्ढा है, सो उसको भरने में तो और टाइम लगेगा। बैंड नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत इरिटेशन रहती है कभी कभार तो, बट फिर कर रहे हैं, जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग बताओ भैया, हम कब लेके आए वो अपना जोलो चिप चैलेंज, बहुत ही जल्द। पहले तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ दो और, क्योंकि ये दो भी बैठेंगे मेरे साथ, हम तीनों करेंगे जोलो चिप चैलेंज। सो लेट्स ऑर्डर इट। तो चिप भी मैंने कर दिया ऑर्डर, अब जल्द से जल्द जैसे ही वो आते हैं, फ्राइडे का टाइम दिया है, फ्राइडे आई थिंक 21-22 तक आ जाएंगे वो भी, देखते हैं नेक्स्ट वीक में फिर हम प्लान करते हैं जोलो चिप चैलेंज का। लेट्स सी होता है क्या, तो बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, असली वाला तो कुछ कोई और चिप होता है, एकदम रेड ब्लैक कलर का होता, इंडियन थोड़ा सा पता नहीं मेरे को कैसा होगा, लेट्स सी। तो आज बनेगा घर में गाजर का हलवा। गाजर खाओगे? तो बनाते हैं गाजर का हलवा, घिसने का काम मेरा है, बाकी बनाएगी साक्षी। तू बनाएगी ना इस गाजर का हलवा, मैं इसको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। सो घिसते हैं, बड़े दिनों के बाद मोटी गाजर आई है, स्पेशली मंगवानी पड़ती है वाली गाजर, पतली वाली से मज़ा नहीं आता, मतलब होती तो वो मीठी है पर वो गाजर के हलवे के लिए नहीं होती, ऐसी मोटी गाजर चाहिए होती है ताकि इसका हलवा बन सके और मोटा मोटा रेशा निकल सके। तो पहले घिसते हैं इसको, फिर बनाते हैं गाजर का हलवा। तो फाइनली गाइस, 3 किलो गाजर छील के हाथों की हो गई हालत ऐसी, लाल हो गए मेरे भी हाथ, और पूरा आधा घंटा लगा। कितनी है गिने इसको जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बस 3 किलो गाजर में 16 गाजर आई थी, अभी घिस गई है, अभी जाएंगे भुनने के लिए, भुनेगी फिर बनेगी गाजर का हलवा। और चाची आई है, हेलो चाची, मेरे को भी दिखा, आज मैं पहली बार बनाऊंगी गाजर का हलवा। टाइम के बाद कम से कम बहुत टाइम हो ही गया, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जो है हमारा जो हलवा है वो भी हो गया है, मतलब चढ़ा दिया गया है, अभी तो भुनेगा, बहुत टाइम लगेगा इसको बनने में। सो हलवा बनाने के लिए आप लोगों को पता ही है क्या क्या चाहिए होता है, गाजर का हलवा बनाने के लिए चाहिए होता है आपको गाजर। मेरी बीवी हो रही है पागल, इसके पॉड्स नहीं चल रहे, कभी ये नहीं चल रहा, कभी वो नहीं चल रहा। तो मैं इसको सिखा रहा हूँ कैसे पेयर करते हैं,
एक एक पॉड को ऑफ करके बैठी, कह रही फिर चल नहीं रहे दोनों। तो यहाँ पर देखो हो रहा है, तो बहुत ही जल्द आप लोगों को कुछ मेजर अपडेट्स दिखने वाले हैं, बहुत ही जल्दी। मैं बस क्या बताऊँ, मेरा मन कर रहा है मैं अभी बता दूँ क्या क्या मेजर अपडेट्स हैं, बट टाइम लेते हैं ना, सब कुछ सही टाइम पे होता है, अपने अपने टाइम पे होता है, अपना टाइम भी आ रहा है। बस बहुत ही जल्द बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मेजर 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 अपडेट्स आर गोइंग टू हैपन विच आई विल टेल यू इन कमिंग डेज, ठीक है। सो मज़ा आएगा। सबसे बड़ा मेजर अपडेट तो ये है कि अगले हफ्ते तक आई बिलीव आई होप कि मेरी चोट ठीक हो जाए। अभी देखो इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग, मतलब अभी ना वो दर्द तो है देखो, क्योंकि चोट लगी है घुटने पे, घुटने पे हो गया गड्ढा, उस गड्ढे को भरने में लगेगा टाइम। सो मेजर अपडेट्स आर गोइंग टू हैपन, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। सबसे मेजर अपडेट तो ये बता दिया, मतलब दूसरा मेजर अपडेट है अपनी बाइक आएगी बहुत ही जल्द। कौन सी आएगी वो उसी दिन दिखाएंगे जिस दिन आ जाएगी। बुकिंग वुकिंग सब हो गई है, सब कुछ सेट है, चोट ठीक होते ही आई बिलीव बाइक आ जाए। उसका थोड़ा बुकिंग टाइम चल रहा है, क्योंकि वो ये वाली जो बाइक मैंने ऑर्डर कर बुक करी है, ये ऑर्डर पे ही आती है, स्टॉक में नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। होपफुली फेब स्टार्टिंग में या फिर जनवरी एंड तक अपनी बाइक आ जाए और आपको दिखाएंगे हम। उसी के साथ साथ तीसरा मेजर अपडेट है जो कि बाइक आने के बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। यस, सो बहुत सारी चीज़ें अभी होने वाली है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था 2021 इज़ गोइंग टू बी अ धमाल ईयर। बहुत सारी चीज़ें अपन करेंगे, लेह लद्दाख का अपना प्लानिंग चल रहा है, उसी के साथ साथ क्या क्या बता रहा हूँ मैं तुम सबको, टाइम से बताएंगे ठीक है ना। लेह का तो अपने तुम्हें पता ही है। सो बी एक्साइटेड फॉर दिस ईयर यार, जो 2020 में हो गया उसको छोड़ो, मारो गोली और आगे बढ़ो पॉजिटिव रह करके, ठीक है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अपनी फैमिली को बढ़ाओ, और मैसेज आ गया किसी का यार, ये मैसेज बहुत करते हो लोग, वह तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक हम बढ़ेंगे कैसे ना। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन, ओके। तो अभी तो दिन ख़त्म नहीं हुआ है, हलवा बनेगा आपको दिखाएंगे कैसा है। तो फाइनली हलवा जो है फाइनल डेस्टिनेशन पे आ चुका है। अभी भी बहुत भूनना बाकी है एंड वी आर वॉचिंग इंडियन आइडल। तो इंडियन आइडल में एक बंदा है, इसका नाम है पवनदीप, ही इज़ अ टोटल रॉक स्टार। आप जाके सुनो उसको, एक एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है भाई, वो एक एक इंस्ट्रूमेंट एक एक जॉनर में गाता है और एक एक टाइप के गाने गाता है। ही इज़ माय फेवरेट। ले ली पप्पी। सो गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको कुछ ना कुछ पसंद आया होगा। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें एक्साइटेड होने वाली, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया है थोड़ी देर पहले ही। सो बी एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर। चोट जल्दी से ठीक हो या फिर हम बाहर निकले, फिर कुछ आप लोगों से दिखाएं, बात करें, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, बहुत सारी मार्केट घूमनी है, बहुत सारी चीज़ों को करना है। सो सी यू इन आर नेक्स्ट व्लॉग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, योर लव इज़ ऑल वी नीड। सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा लाइक करना वीडियो को, और कॉमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। सो बाय बाय। सो फाइनली गाइज, हलवा बन चुका है प्रॉपरली, और ये रहा हलवा, इसका रंग आ चुका है, अब इस पर डलेगा ये खोया। तो हम बनाने आ रहे हैं हलवे की बिरयानी, लेयरिंग करेंगे इसमें, क्योंकि बर्तन है क्या, डलेगा पहले हलवा, डाल दीजिए डाल दीजिए। आप कितना भी बाहर से हलवे खा लो वो हलवा ही होता है, पर जो घर का हलवा होता है ना वो होती है स्वीट डिश, ठीक है। बाहर का आपको हमेशा पनीला सा मिलेगा, किचकिचा मिलेगा, पानी वाला मिलेगा। वो ये देखो क्या कलर आ रहा है भाई साहब, एकदम गाढ़ा लाल कलर गाजर का हलवा।
चार्जर कर लिया होगा मैंने। मैंने झूठे